वो तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा अंजना का सबको कैसे उनका विरोध हुआ। ओहो, महिला सम्मान की बात कर ली, महिलाओं को चूल्हा की बात नहीं करी, महिलाओं को चूल्हा और नहीं दिखे। जो 400 रुपए सिलेंडर था तो स्वाति माली बात चूड़ी लेके हाय हाय कर रही थी, 400 रुपए के चक्कर में चूड़ी लेके यूं कर रही थी, चूड़ी पहन लो। आज कहां गया उनका चूड़ी? हमें कोई डर नहीं लग रहा, हम तो सीना ठोक के खड़े हैं कि जांच करो। केंद्र में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, तो वो तो अपने दबाव बनाएंगे पुलिस के ऊपर लेकर। चुनौती के साथ कर आप चुनाव करवाइए और हम जीत कर दिखाएंगे। केंद्र सरकार को डर है कि हम एक भी नहीं सीट ला पाए। देश के प्रधानमंत्री जो बने पड़े, हम तो उन्हें मंत्री इसलिए बोल रहे हैं कि वो मंत्री का भी काम सही से नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री है ना, तो कम से कम मंत्री का काम सही से कर ले। जो युवा आज रोजगार के लिए तड़प रहा है, जो युवा आज वो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, उनको रोजगार से भटका के जिसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बांट दिया। आप कह रहे कुछ काम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। क्या चीज का डंका बज रहा है? जरा हमें भी तो पता चले कौन सा डंका बज रहा है। टीवी नहीं देखते? अरे वो तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा अंजना का सबको कैसे उनका विरोध हुआ बिहार में अंजना का सब जी का कैसे विरोध हुआ, क्योंकि उन लोगों का काम है सिर्फ वहाँ तक बैठकर। गोदी मीडिया का काम है कि वो साइड में बैठकर बोल सकते, पब्लिक के बीच में नहीं बोल सकती, क्योंकि पब्लिक उनकी खाल तक भी नोच सकती है। राष्ट्रहित में काम करती है बीजेपी। क्या राष्ट्रहित में काम कर ली आप मुझे ये बता दीजिए, क्या राष्ट्रहित में क्या काम करी आज तक भी? राष्ट्रहित में अगर काम करती तो हमारी जितनी हम महिलाएं, महिलाओं को सुरक्षा ना देती, महिलाओं के लिए भी कोई महिला रोड पे आ जाती है। 5 दिन पहले करी नहीं है महिला सम्मान की बात, सुरक्षा की बात, लाल किले से। ओहो, महिला सम्मान की बात कर ली, महिलाओं को चूल्हा की बात नहीं करी, महिलाओं को चूल्हा और नहीं दिखे। जो 400 रुपए सिलेंडर था तो स्वाति माली बात चूड़ी लेके हाय हाय कर रही थी, आज कहां गई? स्वाति या स्मृति ईरानी? हाँ, स्मृति ईरानी। आज जो वो 400 रुपए के चक्कर में चूड़ी लेके यूं कर रही थी, चूड़ी पहन लो, आज कहां गया उनका चूड़ी? आज तो मंत्री, तो आज मंत्री बन गई, और मंत्री बनने के बाद सिलेंडर का जैसे जैसे दाम बढ़ा वैसे वैसे वो भी बढ़ गई। आपके नेताओं पे तो घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नेताओं के ऊपर लगेगा, जिसको जिससे अगर आपको मुझसे खतरा तो आप मुझ पे ही आरोप लगाओगे। हमारे नेताओं के ऊपर आरोप तो लगेगा, क्योंकि हमारा नेता भाजपा पर आरोप लगा रही है। नहीं नहीं, हमारे नेता के ऊपर आरोप क्यों लगाएगा? शिक्षा मंत्री जी के ऊपर आरोप लगेगा, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगेगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं लगना भी चाहिए, लगना इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने, सत्येंद्र जैन जी ने, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री है जो लोगों को उनको अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, उनका इलाज अच्छा हो रहा है। आपके मंत्री जाते हैं जेल और किसी के नहीं जाते हैं? हमारे मंत्री के पंजाब जा है, हमारे मंत्री से तो खत्ता है, तो हमारे मंत्री ही जेल जाएंगे ना। आप ये बताओ, शिक्षा मंत्री जी को अभी सीबीआई का जांच पड़ा, क्यों? क्योंकि उनको डर है ना भाई, शिक्षा मंत्री। डर क्यों लग रहा है आपको, जांच हो रही है तो? हमें कोई डर नहीं लग रहा, हम तो सीना ठोक के खड़े हैं कि जांच करो। हमारे मंत्री जितना जांच में जाते हैं और उतना ही हमारे मंत्री बिना जांच के वो क्लियर होके बाहर आते हैं। नोटिस जारी कर दिया। क्या चीज का? कभी कनाडा भाग जाए, कनाडा। अच्छा, कनाडा भाग जाएगा ना? आप लोगों को लगता है कि भाग जाएंगे? हम भागने वाले में से नहीं, हम भगाने वाले में से। अभी नोटिस जारी किया, अगर नोटिस जारी कर दिया, नोटिस तो जारी करेंगे ना भाई, केंद्र में शासन उनकी है, केंद्र में शासन उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, तो वो तो अपने दबाव बनाएंगे पुलिस के ऊपर लेकर। मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर क्यों बने, क्यों बने ये बताइए? हमने जनता को, जनता ने चुना, आत्मनिर्भर बने। रोजगार ना मांगे, आत्मनिर्भर बनो। रोजगार नहीं बनो, रोजगार की मुद्दा मत बोलो, सिर्फ हिंदू मुसलमान की मुद्दा बनाओ, और सिर्फ आप बेरोजगार की मुद्दा ना करो। विरोध करते हैं जीतने के लिए, विरोध करने लग जाते हैं। चुनाव अगर, सुनिए एक सेकंड, चुनाव जीतने के लिए अगर मुद्दा बनाया जाता ना, चुनाव तो केंद्र सरकार ने टाली। दिल्ली वाला तो कह रहा चुनौती के साथ कर आप चुनाव करवाइए और हम जीत कर दिखाएंगे। केंद्र सरकार को डर है कि हम एक भी नहीं सीट ला पाएंगे। कांग्रेस ही कहना, केजरीवाल भी बीटी की सीधी बात है कि चोर के दारी में तीन का। देखिए सुनिए, वो लोग चोर है, उनको दिक्कत होगी, हमें दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे कल की जगह आज करवाए आप इलेक्शन और जीत के दिखाएंगे जिनको, जिसके पास बिल्कुल सही होती है। छोड़ो, फिर देखते हैं जेल क्या।
वायलेट है, क्यों क्यों करा ये बताती हूँ मैं, क्योंकि उनको ये डर हो गया कि भाई अब हम भी आंदोलन करके कोई काम बंद कराएंगे, लेकर आगे बढ़ते हैं और उसी तिरंगे को ये बैरिकेड लगा के रोक देते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरीके की मोदी सरकार की नीति है वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का वहाँ पे इन्होंने विकास किया है। तो कह रहे कश्मीर से जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से फ्री कर दिया, किससे फ्री कर दिया इन्होंने, आतंकवाद से फ्री कर दिया। वो 317 हटने से जम्मू कश्मीर के तो बुरे हाल है, पहले से भी बदतर, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। किसने कह दिया पत्थरबाजी खत्म होगी, वैसे ही तो हालात है, उससे भी बदतर हो गए हैं। सरकार तो यही दावे कर रही है, सरकार तो दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, जो सरकार ने आज तक किया है कभी पूरा तो नहीं हुआ। जनता बहुत प्यार कर रही है सरकार से, सरकार से प्यार नहीं है, मजबूरी थी कि दूसरी बार वोट दिया क्योंकि पहली बार जनता को लगा कि 5 साल है, कम है, मौका दीजिए, लेकिन ये सिर्फ जुमला रह गया। मोदी जी विकास नहीं करना चाहते, मोदी जी ने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो मोदी जी ने अपना विकास तो कर लिया, एक वादा पूरा कर लिया, यहाँ तक बात है जनता की, तो उन्होंने जनता को ये कह दिया कि भैया मैंने विकास की बात अपने लिए कही थी, अपने मित्रों के लिए कही थी, मैंने अपना विकास भी कर। मीडिया कह रहा डंका बज रहा है, डंका मोदी जी का, वो तो गोदी मीडिया कह रही है ना, और जो मीडिया मोदी सरकार से देश की नीतियों के बारे में पूछती है कि देश के लिए क्या अच्छी नीति लाई है, क्योंकि जिस तरीके से देश की सरकार चल रही है ये देश की जनता की आवाज तो नहीं सुनेंगे, लेकिन हम इनके कानों तक जो है वो अपनी आवाज जो है वो पहुंचा कर रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये डराने की कोशिश जरूर की, इन्होंने 2 दिन पहले हमें अनंत नगरी से हमें डिटेन किया गया, लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि आप डिटेन जितनी बार करवा लीजिए ना डरेंगे ना हटेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। क्या आंदोलन भी नहीं करने दिया जाता, आंदोलन आवाज सुनना ही नहीं चाहते, देश की सरकार डरी हुई है, ये चाहते हैं कि अगर आंदोलन करेंगे तो हमारी जो पोल है वो पूरे विश्व के सामने खुलेगी, और ये अपनी पोल खोलना नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी का डंका जो विदेशों में बजता है वो डंके की पोल खुल जाएगी, उस पोल से डरे हुए हैं। कश्मीर में डंका कभी नहीं बज सकता, हम डंका तो तभी बजेगा, डंका तो उस पॉलिटिकल पार्टी का बजेगा जो जम्मू कश्मीर का विकास करेगी, उसके अलावा ऐसे जुमलेबाज पार्टियों का कभी डंका विकास नहीं कर रही मोदी सरकार, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, 2014 में जो इलेक्शन हुआ पीडीपी के साथ इन्होंने वहां पे अपना अलायंस करके सरकार बनाया और जम्मू कश्मीर के युवाओं को झूठा वादा किया, असेंबली में युवाओं को 8400 टीचर की पोस्ट जम्मू कश्मीर के लिए वादे किए थे सरकार ने, क्या पूरे किए? वो मैं बता रहा हूँ कि 8400 टीचर की पोस्ट जो है वो असेंबली के अंदर कहते हैं कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, उसके लिए वाकायदा नोटिफिकेशन निकाला जाता है, लेकिन 8 साल तक वो आज तक नहीं निकला। ये मोदी सरकार ही थी कि जिनके वहाँ पे सरकार होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के युवाओं को झूठे वादे दिए गए। 370 जम्मू कश्मीर में हटाया गया, लेकिन खुश तो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो तो वहाँ पे खुश, अब जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जो बाहर से आएंगे उनके साथ इससे भी बदतर होगा। आइए स्वागत है इनका, देखिए कि वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या हालात हैं। पर जनता तो पसंद कर रही है भाई, पसंद कर रही थी, अब नहीं, 2024 में ये वापस जा रही है, अब विकल्प कौन मुकाबले में, अब बहुत मुकाबले, आप देखिए समय आने दीजिए, आपको इसका पता खूब चल जाएगा, हम कहना नहीं चाहेंगे यहाँ पे कैमरे के सामने, लेकिन समय आ गया है, इसका जवाब भी मिल जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिलता क्या करोगे फिर आगे? अगर रोजगार नहीं मिलता है, हम यहाँ पर रोजगार नीति के ऊपर कानून बनाने के लिए हम रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये रोजगार आंदोलन जो है जो हमारा चल रहा है, जो हमने ड्राफ्ट बनाया है उसको अगर सदन में जो है अगर डिस्कशन नहीं करते हैं और उसके ऊपर ये कोई कानून नहीं बनाते हैं तो शीतकालीन सत्र आने दीजिए, ये तो एक चिंगारी थी, अभी 16 हम भड़काएंगे, पीछे नहीं हटेंगे।